टमाटो सॉस, इसके लिए हमने टमाटर ले लिए और हमने इसे वॉश करके रख दिया है। इन्हें हमें बॉईल करना है, इसके लिए हमने पानी रख दिया है। अब हम इसमें सारे टोमेटोज को डाल देंगे। गाइस हमें इसे ज़्यादा उबालना नहीं है, बस एक ही उबाल देना है। तो गाइस इसे उबालने से इसकी स्किन रिमूव हो जाएगी। अब इसका एक उबाल आने ही वाला है। तो गाइस हमारे टोमेटोज बॉईल हो चुके हैं। तो गाइस इसे हमने ठंडे पानी से वॉश कर लिया है ताकि इसकी स्किन जल्दी से रिमूव हो जाए। गाइस देखिए इसे ऐसे रिमूव करनी है इसकी स्किन। तो गाइस आप देख सकते हैं हमने टोमेटो की स्किन रिमूव कर ली है। आप बड़ी साइज के टोमेटो भी यूज कर सकते हैं। तो गाइस अभी इसे हमें ग्राइंड करना है, इसलिए हमने इसे मिक्सी के जार में निकाल लिए टोमेटो को। अब इसे ग्राइंड करते हैं। तो गाइस हमारे टोमेटो यहाँ पे हमने क्रश कर लिए हैं। सो गाइस इसमें हम एक प्याली शुगर ऐड करेंगे और इसे स्पाइसी करने के लिए रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। आपको जितना स्पाइसी चाहिए आप उतना ऐड करें। सो गाइस अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें एक चुटकी सेंधा नमक ऐड करेंगे। तो अब इसे कलरफुल बनाने के लिए हम इसमें एक चुटकी फूड कलर ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो गाइस अब इसे हम बॉईल होने देंगे गाढ़ा होने तक। तो गाइस अब इसे हम थोड़ी थोड़ी देर में इसे चलाते रहेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा सॉस गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसे प्लेट में निकाल कर चेक करेंगे। गाइस इसे प्लेट में निकाल कर चेक करना है। अगर यह इसमें से पानी का रेला निकले तो आपको और थोड़ा और उबाल लेना है। आप देख सकते हैं हल्का हल्का पानी आ रहा है, तो इसे हम 5-10 मिनट और उबालेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा सॉस बनकर रेडी है। चलिए अब इसे सर्व करते हैं। हमारा मज़ेदार सा सॉस बनकर रेडी है। सो गाइस बाजार जैसा एकदम यम्मी सा सॉस बनकर रेडी है। आपको मेरी चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप ये होममेड सॉस कभी भी बनाकर ट्राई कर सकते हैं। ये सॉस हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है और बाजार के केमिकल वाले सॉस से हम बच सकते हैं। आप ज़रूर से ज़रूर बनाकर इसे ट्राई करें और इसे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मुझे कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।